हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों इस डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज के पार्ट में आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की जिन लोगों ने इस सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन का लिंक दे रखा है आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसे बनी होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है पॉइंट है इसमें द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट आर फोर्म बाय फोर लेयर्स ऑफ टिश्य फर्स्ट इज एडवेंटेटा और सिरोसा आउटर कवरिंग मसल लेयर सब म्यूकोसा म्यूकोसा लाइनिंग यानी जो एलिमेंट्री कैनाल की या फिर एलिमेंट्री ट्रैक की वॉल्स होती हैं वो टिश्यूज की चार लेयर से बनी होती हैं जिसमें पहली आती है एडवेंटेटा और सिरोसा ये आउटर कवरिंग होती है उसके बाद है मसल लेयर उसके बाद सब म्यूकोसा एंड लास्ट है म्यूकोसा mucosa. इसको म्यूकोसलिंग भी कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पहली लेयर की यानी एडवेंटेटा और सिरोसा इन द एबडोम में जो ऑर्गन्स होते हैं कवर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूड विद इन द एबडोमल कैविटी यानी ये जो पेरिटोनियम होती है ठीक है ये जो सीरस मेम्ब्रेन होती है ये करती है ये सीरस फ्लूड को यानी जो सीरस फ्लूड होता है उसको कंटेन करके रखती है कहाँ पर एबडोमल कैविटी में नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर टू लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होती है ये हमको क्या करती है? एक barrier provide कराती है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो ने इट कंसिस्ट ऑफ टू लेस फर्स्ट इज पैराइटलियम एंड सेकेंड इज विसरल पेरिटोनियम यानी जो पेरिटोनियम होती है वो दो लेस को कंसिस्ट करती है पहला है इसमें पेराइटल पेरिटोनियम को और दूसरी है विसरल पेरिटोनियम को हम बात करते हैं पेराइटल पेरिटोनियम की पॉइंट इज पैराटल पेरिटोनियम लाइन द एंटीरियर एबडोमिनल वॉल यानी जो पेराइटल पेरिटोनियम होती है वो एबडोमिनल वॉल को लाइन करती है नेक्स्ट इज विसरल पेरिटोनियम पॉइंट इज विच कवर्स द ऑर्गन विसरा विद इन द एबडोमल एंड पेल्विक कैविटी यानी जो विसरल पेरिटोनियम होती है वो क्या करती है ऑर्गन को कवर करती है कहाँ पर एबडोमिनल कैविटी में और पेल्विक कैविटी में यानी कह सकते हैं कि जो ऑर्गन पेल्विक कैविटी में होते हैं या फिर एबडोमिनल कैविटी में होते हैं उन ऑर्गन्स को कौन कवर करके रखती है तो विसरल पेरिटोनियम जो लेयर होती है वो कवर करके रखती है पॉइंट इज इफ द ऑर्गन्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द विसरल पेरिटोनियम इट इज सेट टू बी इंट्रा पेरिटोनियल यानी क्या होता है अगर ऑर्गन्स कंप्लीटली अगर विसरल पेरिटोनियम से क्या होते हैं कवर्ड होते हैं तो उसको इंट्रा पेरिटोनियल कहा जाता है यानी उस ऑर्गन को इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन कहा जाता है नेक्स्ट ऑर्गन इज कवर्ड ऑन इट्स एंटीरियर साइड ओनली इट इज सेट टू बी रेट्रोपेटोनियल मीन्स बिहाइंड पेरिटोनियम यानी जो ऑर्गन है वो विसरल पेरिटोनियम की एक साइड से ही कवर रहेगा तब उसको रेट्रोपेटोनियल कहेंगे रेट्रोपेटोनियल का मतलब होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम यानी पेरिटोनियम के पीछे एग्जाम्पल पेल्विक ऑर्गन आर कवर्ड ऑनलीपेरियर सर्फेसिक ऑर्गन होते हैं उनका खाली superior surface ही क्या रहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर ऑलमोस्टली कम्प्लीटली कवर्ड यानी जो स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होती है वो क्या होता है ऑलमोस्ट पूरा ही कवर रहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंटीरियर सर्फेस ऑफ द्रियासिन किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड इज कवर्ड सो दो यानी जो पैनक्रियाज होता है स्प्लीन होता है किडनी है एड्रिनल ग्लैंड है इनका खाली एंटीरियर सरफेस ही कवर्ड रहता है सो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कहलाते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल लेयर की जो कि सेकेंड लेयर होती है इट कंसिस्ट ऑफ टू इन्वॉलेंट्री मसल्स यानी जो मसल लेयर होती है वो दो इन्वॉलेंट्री मसल्स को कंसिस्ट करती है फर्स्ट इज लॉन्गी ट्यूडल मसल एंड सेकेंड इज सर्कुलर मसल लॉन्गी ट्यूडायल मसल आउटर लेयर होती है और सर्कुलर मसल जो होती है वो इनर लेयर होती है पॉइंट इज बिटवीन दीज मसल लेयर्स आर ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स एंड अ प्लेक्सेस ऑफ सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स कॉल्ड मैंट्रिक प्लेक्सेस यानी ये जो दोनों मसल लेयर्स है इनके बीच में ब्लड वेसल्स होती है लिम्फ वेसल्स होती है और क्या होता है सिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्व का एक नेटवर्क होता है जिसे मैंट्रिक प्लेक्सेस कहते हैं

पेरेस्टालसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्व यानी जो पेरेस्टालसिक मूवमेंट होता है यानी जो प्रोसेस है पैरस्टालसिस की ये किसके इंफ्लुएंस में होती है तो ये सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक जो नर्व होती है उनके इन्फ्लुएंस में होती है नेक्स्ट पॉइंट इज मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑल्सो मिक्सिस फूड विद द डायजेस्टिव जूसेज यानी जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है ये जो पेरेसाइलिस मूवमेंट होता है ये क्या करता है जो हमारा खाना है जो भी हमने खाया है उसको क्या करता है उसको जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके साथ मिक्स कर देता है या फिर कह सकते हैं कि मिक्स करने में हेल्प करता है नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द ट्रैक्ट इज कंट्रोल्ड एट वेरियस पॉइंट बाई स्पिंचर्स विच आर थिक एंड रिंग्स ऑफ सर्कुलर मसल्स दे ऑल्सो एक्ट एज वॉल्स प्रिवेंटिंग बैक फ्लो इन द ट्रैक्ट दिस कंट्रोल अलाउज टाइम फॉर डाइजेशन एंड एबजॉप यानी क्या होता है कि जो भी फूड होता है वो आगे मूवमेंट करता रहता है जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है वो स्पिचर्स के द्वारा कंट्रोल होता है स्पिंचर्स क्या है? तो होते हैं तो स्पिंचर्स ऐसे रिंग्स होते हैं ठीक है ऐसी सर्कुलर मसल्स के रिंग्स होते हैं जो क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं उस खाने को उस कंटेंट को यानी ये जो स्पिचर्स होते हैं ये एक वॉल्व की तरह काम करते हैं जो कि उस खाने के बैकफ्लो को रोकता है और फूड के डाइजेस्ट होने में या फिर एबजॉर्प्शन होने में टाइम देता है यानी अगर सीधी बात कहें तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ऐसी ऐसी रिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं एक वॉल्व का काम करती हैं यानी एक ऐसे दरवाजों का काम करती हैं जो फूड को खाली उसी बीच में रहने देता है और फूड को डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्पन के लिए टाइम देता है और ये जो स्पिंचर्स होते हैं या फिर जो वॉल्ब्स होते हैं ये खाने के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लेयर की जो कि है सब म्यूकोसा पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कॉलेजन एंड सम फाइबर्स इलेटिक फाइबर द मसल लेयर टू द म्यूकोसा यानी जो सब म्यूकोसा लेयर है वो कंसिस्ट करती है लूज एर कनेक्टिव टिश्यूज को जो कि कंटेन करके रखते हैं किसको को कॉलेजन को और कुछ इलेस्टिक फाइबर्स को और ये कॉलेजन और इलेस्टिक फाइबर क्या करते हैं तो ये बाइंड करते हैं मसल लेयर को म्यूकोसा से यानी जो म्यूकोसा लेयर है उसको मसल लेयर से क्या करते हैं बाइंड करके रखते हैं यानी सीधी सी बात क्या है कि भैया जो सब लेयर होती है वो कंसिस्ट करती है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज को ठीक है और ये जो टिश्यू होता है वो कंटेन करता है कोलेजन को और कुछ इलास्टिक फाइबर्स को ठीक है और ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं तो ये मसल लेयर को म्यूकोसा जो लेयर होती है उससे बाइंड करते हैं ठीक है उससे बाइंड करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज विद इन इट आर ब्लड वेसल्स नर्व्स लिम्फ वेसल्स एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज यानी जो सब्यूकोसल लेयर होती है उसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स होती हैं नर्व्स होती हैं लिम्फ वेसल्स होती हैं और क्या होता है उसमें उसमें कुछ मात्रा में लिम्फोइड टिश्यूज भी होते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्व प्लेक्सिस इज द सबकोसल प्लेक्सिस विच कंटेन सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्व दैट सप्लाई द म्यूकोसल लिनिंग यानी जो सम्यकोसल लेयर है उसमें जो नर्व प्लेक्सिस होगा वो होगा सब्यूकोसल प्लेक्सिस जो कि कंटेन करके रखता है किसको सिंपेथेटिक को और भैया पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स को जो कि म्यूकोसल लिनिंग को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ लेयर की जो कि है म्यूकोसा लेयर पॉइंट इज इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रैक्ट विच इज मेड अप ऑफ कॉल्यमिन एपिथिलियम यानी जो म्यूकोसा लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर होती है ट्रैक्ट की जो कि कॉल्यूमिन एपिथिलियम टिश्यू की बनी होती है पॉइंट इज देयर आर थ्री मेन फंक्शन प्रोटेक्शन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन यानी जो म्यूकोसा लेयर है उसके तीन फंक्शन होते हैं फर्स्ट इज प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्ट करती है सिक्रेशन सिक्रिएट secret करती है एंड एब्जॉर्प्शन और क्या करती है कंटेंट को एब्जॉर्ब करती है

एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गन यानी इसमें क्या होता है जो जी आई ट्रैक्ट है उसमें पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेटिक नर्व जो होती है वो नर्व सप्लाई करती है नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इनक्रीज सिंपथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट पैरासिम्पथिक एक्टिविटी क्या होता है की अगर क्या होता है इंक्रीज होती है सिंपेथेटिक एक्टिविटी तो क्या होता है जो पैर सिंपेथेटिक एक्टिविटी है वो अपने आप डिक्रीज हो जाती है पॉइंट इज इंक्रीज पैरासिपेटिक एक्टिविटी टू द डायस्टिव ऑर्गन प्रमोट्स डायजेस्टिव प्रोसेस एंड इंक्रीज सिंपेथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट डेम यानी क्या होता है अगर पैरासिंपेटेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है वो जो ऑर्गन्स हैं उसको किसमें उसको डाइजेस्टिव करने में डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करती है या फिर प्रमोट करती है और क्या होगा अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को रोक देगी नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेस्टाइलिस के बारे में टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स टेक प्लेस इन द जीआई ट्रैक्ट देखिए क्या होता है जीआई ट्रैक्ट में दो टाइप के मूवमेंट्स हेल्प करते हैं या फिर प्लेस लेते हैं अपना फर्स्ट इज पैरेस्टाइलिस एंड सेकंड इज सेगमेंटेशन पॉइंट इज पेरेस्टाइल्टिक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरिस्टालसिसिक मूवमेंट होता है जीआईटेक्ट में उसको हम पेरेस्टाइलिस भी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलेक्सेशन ऑफ फूड इन द इसोफेगस एंड द फूड पाइप एंड फूड इज फोर्स डाउन टू द टास्क टू द स्टमक यानी जो प्रोसेस है पेरिस्टाइल्सिस की उसमें क्या होता है कि उसमें जो फूड पाइप है या फिर ईसोफेगस है उसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा फूड जो होता है वो आगे की तरफ चला जाता है और स्टमक में चला जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज पेरिस्टालसिस स्टार्ट्स फ्रॉम ईसोफेगस एंड एंड्स इन सिग्मोइड कोलोन देखो क्या होता है जो पेरेस्टाइलिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है ईसोफेगस से यानी जो हमारा ईसोफेगस फूड पाइप होता है वहां से स्टार्ट होती है और सिग्माइट कॉलर तक तो चलती है सिगमोइट कॉलन इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां पर जो वेस्ट फूड होता है वो एलिमिनेट होने के लिए स्टोर होता है ये यह होगा यहाँ तक हमारे चारों लेयर कंप्लीट अब हम एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं तो क्या होता है जो जी आई ट्रैक्ट होता है वो चार लेयर से मिलकर बना होता है जिसमें फर्स्ट है एडवेंटिटा या फिर सिरोसा सेकेंड इज मसल लेयर थर्ड इज सब एंड फोर्थ इज म्यूकोसा एडवेंटेटर और सिरोसा आउटर कवरिंग होती है जो कि दो लेयर्स को कंसिस्ट करती है फर्स्ट इज पेराइटल पैरिटोनियम एंड सेकंड इज विसरल पैरियम सेकंड है मसल लेयर जो कि दो इनवॉलेंट्री मसल को कंसिस्ट करती है फर्स्ट इज लॉन्गे ट्रोडायल मसल एंड सेकंड इज सर्कुलर मसल लॉन्गे ट्रोडायल आउटर मसल होती है और जो सर्कुलर मसल है वो इनर लेयर होती है मसल लेयर ही एक वेव लाइक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इस वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन को या फिर प्रोसेस को पैरस्टालसिस कहा जाता है नेक्स्ट आती है सबमिकोसा ये थर्ड लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स और नर्व सप्लाई रहती है लास्ट लेयर है म्यूकोसा लेयर जो कि इनर मोस्ट लेयर है जीआई ट्रैक्ट की जिसके तीन फंक्शन होते हैं फर्स्ट इज प्रोटेक्शन सेकंड इज सिक्रीशन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सब की नर्व सप्लाई के बारे में तो पैरासिंपेथैटिक और सिंपथैटिक नर्व जो होती है इसको नर्व सप्लाई करती है जी ट्रेक्ट को और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स को अगर सिंपेथैटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो पैरासिम्पथैटिक एक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है इंक्रीज पैरासिम्पेथैटिक एक्टिविटी जो होती है वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इंक्रीज सिंपेथैटिक एक्टिविटी जो होती है वो क्या करती है डाइजेशन को इंक्रीज करती है नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरसाइलिस के बारे में तो जी आई ट्रेक्ट में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं पहला है पेरेस्टाइलिस और दूसरा है सेगमेंटेशन पेरेस्टाइलिस रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रेक्शन होता है कहाँ पर फूड पाइप में या फिर ईसोफेगस में जो खाने को पुश करता है यानी जो कंटेंट हमने खाया है उसको पुश करेगा कहाँ पर स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए और जो पेरेस्टाइलिस मूवमेंट होता है वो ईसोफेगस से स्टार्ट होकर सिगमेंट कोलन तक एंड होता है तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हाँ वीडियो के अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को जरूर फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थैंक यू